नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम आज आप लोगों के लिए लाया हूँ मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास निर्मला का भाग 9। आइए सुनते हैं। कृष्णा के विवाह के बाद सुधा चली गई, लेकिन निर्मला मायके में ही रह गई। वकील साहब बार बार लिखते थे, पर वह ना जाती थी। वहाँ जाने का उसका जी ना चाहता था। वहाँ कोई ऐसी चीज़ ना थी जो उसे खींच ले जाए। यहाँ माता की सेवा और छोटे भाइयों की देखभाल में उसका समय बड़े आनंद से कट जाता था। वकील साहब खुद आते तो शायद वह जाने पर राजी हो जाती, लेकिन इस विवाह में मोहल्ले की लड़कियों ने उनकी वह दुर्गत की थी कि बेचारे आने का नाम न लेते थे। सुधा ने भी कई बार पत्र लिखा, पर निर्मला ने उससे भी हीले हवाले किए। आखिर एक दिन सुधा ने नौकर को साथ लिया और स्वयं आधम की। जब दोनों गले मिल चुकी तो सुधा ने कहा, तुम्हें तो वहाँ जाते मानो डर लगता है। निर्मला, हाँ बहन, डर तो लगता है। ब्याह की गई 3 साल में आई, अब की तो वह उम्र ही खत्म हो जाएगी। फिर कौन बुलाता है और कौन आता है। सुधा, आने को क्या हुआ, जब जी चाहे चली आना। वहाँ वकील साहब बहुत बेचैन हो रहे हैं। निर्मला, बहुत बेचैन, रात को शायद नींद ना आती हो। सुधा, बहन तुम्हारा कलेजा पत्थर का है, उनकी दशा देखकर तरस आता है। कहते थे घर में कोई पूछने वाला नहीं, ना कोई लड़का ना बाला, किससे जी बहलाएं। जब से दूसरे मकान में उठाए हैं बहुत दुखी रहते हैं। निर्मला, लड़के तो ईश्वर के दिए दो दो हैं। सुधा, उन दोनों की तो बड़ी शिकायत करते थे। जिया राम तो अब बात ही नहीं सुनता, तर्क बेतर्क जवाब देता रहता है। रहा छोटा, वह भी उसी के कहने में है, बेचारे बड़े लड़के की याद में रोया करते हैं। निर्मला, जिया राम तो ऐसा ना था, वह शैतानी कब से सीख गया। मेरी तो कोई बात न टालता था, इशारे पर काम करता था। सुधा, क्या जाने बहन, सुना है कहता है आप ही ने भैया को जहर देकर मार डाला। आप हत्यारे हैं, कई बार तुमसे विवाह करने के लिए ताने दे चुका है। ऐसी ऐसी बातें कहता है कि वकील साहब रो पड़ते हैं। अरे और तो क्या कहूँ, एक दिन पत्थर उठाकर मारने दौड़ा था। निर्मला ने गंभीर चिंता में पड़कर कहा, यह लड़का तो बड़ा शैतान निकला, उसे यह किसने कहा कि उसके भाई को उन्होंने जहर दे दिया है। सुधा, वह तुम्ही से ठीक होगा। निर्मला को यह नई चिंता पैदा हुई, अगर जिया का यही रंग है, अपने बाप से लड़ने पर तैयार रहता है, तो मुझसे क्यों दबने लगा। वह रात को बड़ी देर तक इसी फिक्र में डूबी रही। मनसाराम की आज उसे बहुत याद आई, उसके साथ ज़िंदगी आराम से कट जाती। इस लड़के का जब अपने पिता के सामने ही वह हाल है तो उनके पीछे उसके साथ कैसे निर्वाह होगा। घर हाथ से निकल ही गया, कुछ न कुछ कर्ज अभी सिर पर होगा ही। आमदनी का यह हाल, ईश्वर ही बेड़ा पार लगाएंगे। आज पहली बार निर्मला को अपने बच्चों की फिक्र पैदा हुई, इस बेचारी का ना जाने क्या हाल होगा। ईश्वर ने यह विपत्ति सिर डाल दी, मुझे तो इसकी ज़रूरत ना थी। जन्म ही लेना था तो किसी भाग्यवान के घर जन्म लेती। बच्ची उसकी छाती से लिपटी हुई सो रही थी। माता ने उसे और भी चिपटा लिया, मानो कोई उसके हाथ से उसे छीने लिए जाता है। निर्मला के पास ही सुधा की चारपाई थी। निर्मला तो चिंता के सागर में गोते लगा रही थी और सुधा मीठी नींद का आनंद उठा रही थी। क्या उसे अपने बालक की फिक्र सताती है। मृत्यु तो बूढ़े और जवान का भेद नहीं करती, फिर सुधा को कोई चिंता क्यों नहीं सताती। उसे तो कभी भविष्य की चिंता से उदास नहीं देखा। सहसा सुधा की नींद खुल गई, उसने निर्मला को अभी तक जागते देखा तो बोली, अरे अभी तुम सोई नहीं। निर्मला, नींद ही नहीं आती। सुधा, आंखें बंद कर लो, आप ही नींद आ जाएगी। मैं तो चारपाई पर आते ही मर से जाती हूँ, वह जागते भी हैं तो खबर नहीं होती। ना जाने मुझे क्यों इतनी नींद आती है, शायद कोई रोग है। निर्मला, हाँ बड़ा भारी रोग है, इसे राज रोग कहते हैं, डॉक्टर साहब से कहो दवा शुरू कर दें। सुधा, तो आखिर जाकर क्या सोचूं, कभी कभी मैके की याद आ जाती है तो उस दिन जरा देर में आंख लगती है। निर्मला, डॉक्टर साहब की याद नहीं आती। सुधा, कभी नहीं, उनकी याद क्यों आए, जानती हूँ कि टेनिस खेल कर आए होंगे, खाना खाया होगा और आराम से लेटे होंगे। निर्मला, लो सोहन भी जाग गया, जब तुम जाग गई तो भला यह क्यों सोने लगा। सुधा, हाँ बहन, इसकी अजीब आदत है, मेरे साथ सोता और मेरे ही साथ जागता है, उस जन्म का कोई तपस्वी है। देखो इसके माथे पर तिलक का कैसा निशान है, बाहों पर भी ऐसे ही निशान हैं, जरूर कोई तपस्वी है। निर्मला, तपस्वी लोग तो चंदन तिलक नहीं लगाते, उस जन्म का कोई धूर्त पुजारी होगा। क्यों रे, तू कहाँ का पुजारी था बता। सुधा, इसका ब्याह मैं बच्ची से करूँगी।
निर्मला, चलो बहन, गाली देती हो, बहन से भी भाई का विवाह होता है? सुधा, मैं तो करूँगी, चाहे कोई कुछ कहे, ऐसी सुंदर बहू और कहाँ पाऊँगी। जरा देखो तो बहन, इसकी देह कुछ गर्म है या मुझे ही मालूम होती है? निर्मला ने सोहन का माथा छूकर कहा, नहीं नहीं, देह गर्म है। यह ज्वर कब आ गया? दूध तो पी रहा है ना? सुधा, अभी सोया था, तब तो देह ठंडी थी, शायद सर्दी लग गई है। उड़ा कर सुलाए देती हूँ, सवेरे तक ठीक हो जाएगा। सवेरा हुआ तो सोहन की दशा और भी खराब हो गई। उसकी नाक बहने लगी और बुखार भी तेज हो गया। आंखें चढ़ गई और सिर झुक गया। ना वह हाथ पैर हिलाता था, ना हंसता बोलता था, बस चुपचाप पड़ा था। ऐसा मालूम होता था कि उसे इस वक्त किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता। कुछ कुछ खांसी भी आने लगी। अब तो सुधा घबराई। निर्मला की भी राय हुई कि डॉक्टर साहब को बुलाया जाए, लेकिन उसकी बूढ़ी माता ने कहा, डॉक्टर हकीम साहब का यहाँ कुछ काम नहीं। साफ तो देख रही हूँ कि बच्चे को नज़र लग गई है, भला डॉक्टर आकर क्या करेंगे? सुधा, अम्मा जी, भला यहाँ नज़र कौन लगा देगा? अभी तक तो बाहर कहीं गया भी नहीं। माता, नज़र कोई लगाता नहीं बेटी, किसी किसी आदमी की नज़र बुरी होती है, आप ही आप लग जाती है। कभी कभी माँ बाप तक की नज़र लग जाती है। जब से आया है एक बार भी नहीं रोया। चोचले बच्चों की यही गति होती है। मैं इसे हुमकते देखकर डरी थी कि कुछ न कुछ अनिष्ट होने वाला है। आंखें नहीं देखती हो कितनी चढ़ गई हैं, यही नज़र की सबसे बड़ी पहचान है। बुढ़िया महरी और पड़ोस की पंडिताइन ने इस कथन का अनुमोदन कर दिया। बस महंगून ने आकर बच्चे का मुंह देखा और हंसकर बोला, मालकिन या नज़र है और कुछ नहीं, जरा पतली पतली तीलियाँ मंगवा दीजिए, भगवान ने चाहा तो सांस तक बच्चा हंसने लगेगा। सरकंडे के 5 टुकड़े लाए गए। महंगून ने उन्हें बराबर करके एक डोरे से बांध दिया और कुछ बुदबुदा कर उसी पोले हाथों में 5 बार सोहन का सिर हिलाया। अब जो देखा तो 5 तीलियाँ छोटी बड़ी हो गई थी। सब स्त्रियाँ यह कौतुक देखकर दंग रह गई। अब नज़र में किसे संदेह हो सकता था? महंगून ने फिर बच्चे को तीलियों से सहलाना शुरू किया। अब की तीलियाँ बराबर हो गईं, केवल थोड़ा अंतर रह गया। यह सब इस बात का प्रमाण था कि नज़र का असर अब थोड़ा सा और रह गया है। महंगू सबको दिलासा देकर शाम को आने का वादा करके चला गया। बालक की दशा दिन को और ख़राब हो गई, खांसी का जोर हो गया। शाम के समय महंगू ने आकर फिर तीलियों का तमाशा किया। इस वक्त 5 तीलियां बराबर निकली। स्त्रियां निश्चिंत हो गईं, लेकिन सोहन को सारी रात खांसते गुजरी, यहां तक कि कई बार उसकी आँखें उलट गई। सुधा और निर्मला दोनों ने बैठकर सवेरा किया। खैर, रात कुशल से कट गई। अब वृद्धा माता जी नया रंग लाईं। महंगू नज़र न उतार सका, इसलिए अब किसी मौलवी से फूंक डलवाना जरूरी हो गया। सुधा फिर भी अपने पति को सूचना ना दे सकी। महरी सोहन को एक चादर से लपेटकर एक मस्जिद में ले गई और फूंक डलवा लाई। शाम को भी फूंक छोड़ी, पर सोहन ने सिर न उठाया। रात आ गई। सुधा ने मन में निश्चय किया कि रात कुशल से बीतेगी तो प्रातःकाल पति को पत्र दूंगी, लेकिन रात कुशल से ना बीतने पाई। आधी रात जाते जाते बच्चा हाथ से निकल गया। सुधा की संपत्ति देखते देखते उसके हाथों से छिन गई। वही जिसके विवाह का 2 दिन पहले विनोद हो रहा था, आज सारे घर को रुला रहा है। जिसकी भोली भाली सूरत देखकर माता की छाती फूल उठती थी, उसी को देखकर आज माता की छाती फटी जाती है। सारा घर सुधा को समझाता था, पर उसके आंसू ना थमते थे, सब्र ना होता था। सबसे बड़ा दुख इस बात का था, पति को कौन मुँह दिखलाऊँगी, उन्हें खबर तक न दी। रात को ही तार दे दिया गया और दूसरे दिन डॉक्टर सिन्हा 9 बजते मोटर पर आ पहुँचे। सुधा ने उनके आने की खबर पाई तो और भी फूट फूट कर रोने लगी। बालक की जल क्रिया हुई। डॉक्टर साहब कई बार अंदर आए, किंतु सुधा उनके पास न आई। उनके सामने कैसे जाए, कौन मुंह दिखाए? उसने अपनी नादानी से उनके जीवन का रत्न छीन कर दरिया में डाल दिया। अब उनके पास जाते उसके छाती के टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे। बालक को उसकी गोद में देखकर पति की आंखें चमक उठती थीं। बालक हुमक कर पिता की गोद में चला जाता था। माता फिर बुलाती तो पिता की छाती से चिपट जाता था और लाख चमकारने दुलाने पर भी बाप की गोद न छोड़ता था। तब माँ कहती थी, बड़ा मतलबी है, आज वह किसे गोद में लेकर पति के पास जाएगी? उसकी सोनी गोद देखकर कहीं वह चिल्ला कर रो न पड़े। पति के सम्मुख जाने की अपेक्षा उसे मर जाना कहीं आसान जान पड़ता था। वह एक क्षण के लिए भी निर्मला को ना छोड़ती थी कि कहीं पति से सामना न हो जाए। निर्मला ने कहा, बहन, जो होना था वह हो चुका, अब उनसे कब तक भागती फिरोगी, रात ही को चले जाएंगे, अम्मा कहती थी। सुधा ने सजल नेत्रों से ताकते हुए कहा,
कौन मुंह लेकर उनके पास जाऊं। मुझे डर लग रहा है कि उनके सामने जाते ही मेरा पैर न थर्राने लगे और मैं गिर पड़ूं। निर्मला, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूं, तुम्हें संभाले रहूंगी। सुधा, मुझे छोड़कर भाग तो न जाओगी। निर्मला, नहीं नहीं भागूंगी नहीं। सुधा, मेरा कलेजा तो अभी से उमड़ा आता है, मैं इतना घोर वज्रपात होने पर भी बैठी हूँ, मुझे यही आश्चर्य हो रहा है। सोहन को वह बहुत प्यार करते थे बहन, ना जाने उनके चित्त की क्या दशा होगी। मैं उन्हें सांत्वना क्या दूंगी, खुद ही रोती हूँ, क्या रात ही को चले जाएंगे। निर्मला, हाँ अम्मा जी तो कहती थी छुट्टी नहीं ली है। दोनों सहेलियाँ मर्दाने कमरे की ओर चली, लेकिन कमरे के द्वार पर पहुंचकर सुधा ने निर्मला से विदा कर लिया। अकेली कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब घबरा रहे थे कि ना जाने सुधा की क्या दशा हो रही है। भांति भांति की शंकाएं मन में आ रही थीं। जाने को तैयार बैठे थे, लेकिन जीना चाहता था। जीवन शून्य सा मालूम होता था। मन ही मन कुढ़ रहे थे, अगर ईश्वर को इतनी जल्दी यह पदार्थ देकर छीन लेना था तो दिया ही क्यों था। उन्होंने तो कभी संतान के लिए ईश्वर से प्रार्थना ना की थी। वह आजन्म निसंतान रह सकते थे, पर संतान पाकर उससे वंचित हो जाना उन्हें असह जान पड़ता था। क्या सचमुच मनुष्य ईश्वर का खिलौना है? यही मानव जीवन का महत्व है? यह केवल बालकों का घरौंदा है, जिसके बनने का ना कोई हेतु है न बिगड़ने का। फिर बालकों को भी तो अपने घरौंदे से, अपनी कागज की नावों से, अपनी लकड़ी के घोड़ों से ममता होती है। अच्छे खिलौने को वह जान के पीछे छिपा कर रखते हैं। अगर ईश्वर बालक ही है तो वह विचित्र बालक है, किंतु बुद्धि तो ईश्वर का यह रूप स्वीकार नहीं करती। अनंत सृष्टि का कर्ता उद्दंड बालक नहीं हो सकता है। हम उसे उन सारे गुणों से विभूषित करते हैं जो हमारी बुद्धि की पहुंच से बाहर है। खिलाड़ीपन तो उन महान गुणों में नहीं। क्या हंसते खेलते बालकों का प्राण हर लेना खेल है? क्या ईश्वर ऐसा पैशाचिक खेल खेलता है? सहसा सुधा दबे पांव कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए और उसके समीप आकर बोले, तुम कहाँ थी सुधा, मैं तुम्हारी राह देख रहा था। सुधा की आंखों से कमरा तैरता हुआ जान पड़ा। पति की गर्दन में हाथ डालकर उसने उनकी छाती पर सिर रख दिया और रोने लगी, लेकिन इस अश्रु प्रवाह में उसे असीम धैर्य और सांत्वना का अनुभव हो रहा था। पति के वक्ष स्थल से लिपटी हुई वह अपने हृदय में एक विचित्र स्फूर्ति और बल का संचार होते हुए पाती थी, मानो पवन से थरथराता हुआ दीपक अंचल की आड़ में आ गया हो। डॉक्टर साहब ने रमणी के अश्रु सिंचित कपोलों को दोनों हाथों में लेकर कहा, सुधा तुम इतना छोटा दिल क्यों करती हो? सोहन अपने जीवन में जो कुछ करने आया था वह कर चुका था, फिर वह क्यों बैठा रहता? जैसे कोई वृक्ष जल और प्रकाश से बढ़ता है, लेकिन पवन के प्रबल झोंकों ही से सुदृढ़ होता है, उसी भांति प्रणय भी दुख के आघातों ही से विकास पाता है। खुशी के साथ हंसने वाले बहुतेरे मिल जाते हैं, रंज में जो साथ रोए वह हमारा सच्चा मित्र है। जिन प्रेमियों को साथ रोना नहीं नसीब हुआ वे मोहब्बत के मजे क्या जाने। सोहन की मृत्यु ने आज हमारे द्वैत को बिल्कुल मिटा दिया, आज ही हमने एक दूसरे का सच्चा स्वरूप देखा। सुधा ने सिसकते हुए कहा, मैं नज़र के धोखे में थी। हाय, तुम उसका मुख भी ना देखने पाए। ना जाने इन सा दिनों में उसे इतनी समझ कहाँ से आ गई थी। जब वह मुझे रोते देखता तो अपने कष्ट भूल कर मुस्कुरा देता। तीसरे ही दिन मेरे लाडले की आँखें बंद हो गईं, कुछ दवा दर्पण भी ना करने पाई। यह कहते कहते सुधा के आंसू फिर उमड़ आए। डॉक्टर सिन्हा ने उसे सीने से लगाकर करुणा से कांपती हुई आवाज़ में कहा, प्रिय, आज तक कोई ऐसा बालक या वृद्ध न मरा होगा जिसे घर वालों की दवा दर्पण की लालसा पूरी हो गई। सुधा, निर्मला ने मेरी बड़ी मदद की। मैं तो एक आध झपकी ले भी लेती थी, पर उसकी आँखें नहीं झपकी, रात रात लिए बैठी या टहलती रहती थी। उसके एहसान कभी ना भूलूंगी। क्या तुम आज ही जा रहे हो? डॉक्टर, हाँ, छुट्टी लेने का मौका ना था, सिविल सर्जन शिकार खेलने गया हुआ था। सुधा, यह सब हमेशा शिकार ही खेला करते हैं। डॉक्टर, राजाओं को और काम ही क्या है? सुधा, मैं तो आज ना जाने दूंगी। डॉक्टर, जी तो मेरा भी नहीं चाहता। सुधा, तो मत जाओ, तार दे दो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, निर्मला को भी लेते चलूंगी। सुधा वहां से लौटी तो उसके हृदय का बोझ हल्का हो गया था। पति की प्रेमपूर्ण कोमलवाणी ने उसके सारे शोक और संताप का हरण कर लिया था। प्रेम में असीम विश्वास है, असीम धैर्य है और असीम बल है। जब हमारे ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आ पड़ती है तो उससे हमें केवल दुख ही नहीं होता, हमें दूसरों के ताने भी सहने पड़ते हैं। जनता को हमारे ऊपर टिप्पणियाँ करने का सुअवसर मिल जाता है, जिसके लिए वह हमेशा बेचैन रहती है।
मनसाराम क्या मरा, मानो समाज को उन पर आवाजें कसने का बहाना मिल गया। भीतर की बात कौन जाने, प्रत्यक्ष बात यह थी कि यह सब सौतेली माँ की करतूत हैं। चारों तरफ यही चर्चा थी। ईश्वर न करे लड़कों को सौतेली माँ से पाला न पड़े, जिसे अपना बना बनाया घर उजाड़ना हो, अपने प्यारे बच्चों की गर्दन पर छुरी फेरनी हो, वह बच्चों के रहते हुए अपना दूसरा ब्याह करे। ऐसा कभी नहीं देखा कि सौत के आने पर घर तबाह न हो गया हो। वही बाप जो बच्चों पर जान देता था, सौत के आते ही उन्हीं बच्चों का दुश्मन हो जाता है, उसकी मत ही बदल जाती है। ऐसी देवी ने जन्म ही नहीं लिया जिसने सौत के बच्चों को अपना समझा हो। मुश्किल यह भी थी कि लोग टिप्पणियों पर संतुष्ट न होते थे। कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें अब जियाराम और सियाराम से विशेष स्नेह हो गया था। वे दोनों बालकों से बड़ी सहानुभूति प्रकट करते, यहाँ तक कि दो एक महिलाएं तो उसकी माता के शील और स्वभाव को याद करके आंसू बहाने लगती। हाय हाय, बेचारी क्या जानती थी कि उसके मरते ही लाडलों की यह दुर्दशा होगी। अब दूध मक्खन काहे को मिलता होगा। जियाराम कहता, मिलता क्यों नहीं। महिला कहती, मिलता है। अरे बेटा, मिलना भी कई तरह का होता है। पानी वाला दूध टके शेर का मंगा कर रख दिया, पियो चाहे ना पियो, कौन पूछता है। नहीं तो बेचारी नौकर से दूध दुहा कर मंगवाती थी। वह तो चेहरा ही कह देता है, दूध की सूरत छिपी नहीं रहती, वह सूरत ही नहीं रही। जिया को अपनी माँ के समय के दूध का स्वाद तो याद नहीं था जो इस आक्षेप का उत्तर देता, और न उस समय की अपनी सूरत ही याद थी, चुप रह जाता। इन शुभाकांक्षाओं का असर भी पड़ना स्वाभाविक था। जिया राम को अपने घर वालों से चिढ़ होती जाती थी। मुंशी जी मकान नीलाम हो जाने के बाद दूसरे घर में उठाए तो किराए की फिक्र हुई। निर्मला ने मक्खन बंद कर दिया, वह आमदनी ही नहीं रही तो खर्च कैसे रहता। दोनों कहार अलग कर दिए गए। जियाराम को यह कटौती बुरी लगती थी। जब निर्मला मैके चली गई तो मुंशी जी ने दूध भी बंद कर दिया। नवजात कन्या की चिंता अभी से उनके सिर पर सवार हो गई थी। जियाराम ने बिगड़ कर कहा, दूध बंद करने से तो आपका महल बन रहा होगा, भोजन भी बंद कर दीजिए। मुंशी जी, दूध पीने का शौक है तो जाकर दुहा क्यों नहीं लाते, पानी के पैसे तो मुझसे न दिए जाएंगे। जियाराम, मैं दूध दुहाने जाऊँ, कोई स्कूल का लड़का देख ले तब। मुंशी जी, तब कुछ नहीं, कह देना अपने लिए दूध लिए जाता हूँ, दूध लाना कोई चोरी नहीं है। जियाराम, चोरी नहीं है, आप ही को कोई दूध लाते देख ले तो आपको शर्म ना आएगी। मुंशी जी, बिल्कुल नहीं, मैंने तो इन्हीं हाथों से पानी खींचा है, अनाज की गठरियाँ लाया हूँ, मेरे बाप लखपति नहीं थे। जियाराम, मेरे बाप तो गरीब नहीं, मैं क्यों दूध दुहाने जाऊँ, आखिर आपने कहारों को क्यों जवाब दे दिया। मुंशी जी, क्या तुम्हें इतना भी नहीं सूझता कि मेरी आमदनी अब पहली सी नहीं रही, इतने तो नादान नहीं हो। जियाराम, आखिर आपकी आमदनी कम क्यों हो गई। मुंशी जी, जब तुम्हें अक्ल ही नहीं है तो क्या समझाऊँ, यहाँ जिंदगी से तंग आ गया हूँ, मुकदमे कौन ले, और ले भी तो तैयार कौन करे, वह दिल ही नहीं रहा, अब तो जिंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ, सारे अरमान लल्लू के साथ चले गए। जियाराम, अपने ही हाथों ना। मुंशी जी ने चीख कर कहा, अरे अहमक, यह ईश्वर की मर्जी थी, अपने हाथों कोई गला काटता है। जियाराम, ईश्वर तो आपका विवाह करने ना आया था। मुंशी जी अब जब्त न कर सके, लाल लाल आंखें निकाल कर बोले, क्या तुम आज लड़ने के लिए कमर बांध कर आए हो, आखिर किस बात पर, मेरी रोटियां तो नहीं चलाते, जब इस काबिल हो जाना मुझे उपदेश देना, तब मैं सुन लूँगा, अभी तुमको मुझे उपदेश देने का अधिकार नहीं है, कुछ दिनों अदब और तमीज़ सीखो, तुम मेरे सलाहकार नहीं हो कि मैं जो काम करूं उसमें तुमसे सलाह मांगूं। मेरी पैदा की हुई दौलत है, उसे जैसे चाहूं खर्च कर सकता हूं, तुमको जबान खोलने का हक भी नहीं है, अगर फिर तुमने मुझसे ऐसी बेअदबी की तो नतीजा बुरा होगा, जब मनसाराम जैसा रत्न खोकर मेरे प्राण न निकले तो तुम्हारे बगैर मैं मर ना जाऊँगा, समझ गए। यह कड़ी फटकार पाकर भी जियाराम वहाँ से न टला, निशंक भाव से बोला, तो आप क्या चाहते हैं कि हमें चाहे जितनी तकलीफ हो मुँह न खोलें, मुझसे तो यह ना होगा, भाई साहब को अदब और तमीज का जो इनाम मिला उसकी मुझे भूख नहीं, मुझे जहर खाकर प्राण देने की हिम्मत नहीं, ऐसे अदब को दूर से दंडवत करता हूँ। मुंशी जी, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती। जियाराम, लड़के अपने बुजुर्गों की ही नकल करते हैं। मुंशी जी का क्रोध शांत हो गया, जियाराम पर उसका कुछ भी असर ना होगा इसका उन्हें यकीन हो गया, उठकर टहलने चले गए। आज उन्हें सूचना मिल गई कि इस घर का शीघ्र ही सर्वनाश होने वाला है। उस दिन से पिता और पुत्र में किसी न किसी बात पर रोज ही एक झपट हो जाती।
एक दिन जियाराम ने रुक्मणी से यहाँ तक कह डाला, बाप हैं यह समझ कर छोड़ देता हूँ, नहीं तो मेरे ऐसे ऐसे साथी हैं कि चाहूँ तो भरे बाजार में पिटवा दूँ। रुक्मणी ने मुंशी जी से कह दिया। मुंशी जी ने प्रकट रूप से तो बेपरवाही दिखाई, पर उनके मन में शंका जम गया। शाम को सैर करना छोड़ दिया, यह नई चिंता सवार हो गई। इसी भय से निर्मला को भी नहलाते थे कि शैतान उसके साथ भी यही बर्ताव करेगा। जियाराम एक बार दबी जबान में कह भी चुका था, देखो अब के कैसे इस घर में आती हैं। मुंशी जी भी खूब समझ गए थे कि मैं भी इसका कुछ नहीं कर सकता। कोई बाहर का आदमी होता तो उसे पुलिस और कानून के शिकंजे में कसते, अपने लड़के को क्या करें। सच कहा है, आदमी हारता है तो अपने लड़कों ही से। एक दिन डॉक्टर सिन्हा ने जियाराम को बुलाकर समझाना शुरू किया। जियाराम उनका अदब करता था, चुपचाप बैठा सुनता रहा। जब डॉक्टर साहब ने अंत में पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो, तो वह बोला, साफ साफ कह दूं, बुरा तो ना मानिएगा। सिन्हा, नहीं, जो कुछ तुम्हारे दिल में हो साफ साफ कह दो। जियाराम, तो सुनिए, जब से भैया मरे हैं मुझे पिताजी की सूरत देखकर क्रोध आता है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि इन्हीं ने भैया की हत्या की है, और एक दिन मौका पाकर हम दोनों भाइयों की भी हत्या करेंगे। अगर उनकी यह इच्छा ना होती तो ब्याह ही क्यों करते। डॉक्टर साहब ने बड़ी मुश्किल से हंसी रोककर कहा, तुम्हारी हत्या करने के लिए उन्हें ब्याह करने की क्या ज़रूरत थी, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। बिना विवाह किए भी तो वह हत्या कर सकते थे। जियाराम, कभी नहीं, उस वक्त तो उनका दिल ही कुछ और था, हम लोगों पर जान देते थे, अब मुँह तक देखना नहीं चाहते। उनकी यही इच्छा है कि उन दोनों प्राणियों के सिवा घर में और कोई ना रहे। हमें तरह तरह की तकलीफें देकर भगा देना चाहते हैं, इसलिए आजकल मुकदमे नहीं लेते। हम दोनों भाई आज मर जाएं तो फिर देखिए कैसी बहार होती है। डॉक्टर, अगर तुम्हें भगाना ही होता तो कोई इल्ज़ाम लगाकर घर से निकाल ना देते। जियाराम, इसके लिए पहले से ही तैयार बैठा हूँ। डॉक्टर, सुनो क्या तैयारी की है। जियाराम, जब मौका आएगा देख लीजिएगा। यह कहकर जियाराम चलता हुआ। डॉक्टर सिन्हा ने बहुत पुकारा पर उसने मुड़कर देखा भी नहीं। कई दिन के बाद डॉक्टर साहब की जियाराम से फिर मुलाकात हो गई। डॉक्टर साहब सिनेमा के प्रेमी थे और जियाराम की तो जान ही सिनेमा में बसती थी। डॉक्टर साहब ने सिनेमा पर आलोचना करके जियाराम को बातों में लगा लिया और अपने घर लाए। भोजन का समय आ गया था, दोनों आदमी साथ ही भोजन करने बैठे। जियाराम को वहाँ भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा, बोला, मेरे यहाँ तो जब से महाराज अलग हुआ खाने का मज़ा ही जाता रहा। बुआ जी पक्का वैष्णव भोजन बनाती हैं, ज़बरदस्ती खा लेता हूँ, पर खाने की तरफ ताकने को जी नहीं चाहता। डॉक्टर, मेरे यहाँ तो जब घर में खाना पकता है तो इसे कहीं स्वादिष्ट होता है। तुम्हारी बुआ जी प्याज लहसुन छूती ना होंगी। जियाराम, हाँ साहब, उबाल कर रख देती हैं, लाला जी को इसकी परवाह ही नहीं कि कोई खाता है या नहीं, इसलिए तो महाराज को अलग किया है, अगर रुपए नहीं हैं तो गहने कहाँ से बनते हैं। डॉक्टर, यह बात नहीं है जियाराम, उनकी आमदनी सचमुच बहुत कम हो गई है, तुम उन्हें बहुत दिक करते हो। जियाराम, मैं उन्हें दिक करता हूँ, मुझसे कसम ले लीजिए, जो कभी उनसे बोलता भी हूँ मुझे बदनाम करने का उन्होंने बीड़ा उठा लिया है। बेसबब बेवजह पीछे पड़े रहते हैं, यहाँ तक कि मेरे दोस्तों से भी उन्हें चिढ़ है। आप ही सोच लीजिए, दोस्तों के बगैर कोई ज़िंदा रह सकता है। मैं कोई लुच्चा नहीं हूँ कि लुच्चों की सोहबत रखूँ, मगर आप दोस्तों ही के पीछे मुझे रोज़ सताया करते हैं। कल तो मैंने साफ कह दिया, मेरे दोस्त घर आएंगे, किसी को अच्छा लगे या बुरा, जनाब कोई हो, हर वक्त ही धौस ही नहीं सह सकता। डॉक्टर, मुझे तो भाई उन पर बड़ी दया आती है, यह ज़माना उनके आराम करने का था। एक तो बुढ़ापा, उस पर जवान बेटे का शोक, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं, ऐसा आदमी क्या कर सकता है। वह जो कुछ थोड़ा बहुत करते हैं वही बहुत है, तुम अभी और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने आचरण से तो उन्हें प्रसन्न रख सकते हो। बुढ़ों को प्रसन्न करना बहुत कठिन काम नहीं, यकीन मानो तुम्हारा हंसकर बोलना ही उन्हें खुश करने को काफ़ी है। इतना पूछने में तुम्हारा क्या खर्च होता है, बाबूजी आपकी तबीयत कैसी है, वह तुम्हारी यह उद्दंडता देखकर मन ही मन कुढ़ते रहते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ, कई बार रो चुके हैं, उन्होंने मान लो शादी करने में गलती की, इसे वह भी स्वीकार करते हैं, लेकिन तुम अपने कर्तव्य से क्यों मुँह मोड़ते हो। वह तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए, एक बात भी ऐसी मुँह से ना निकालनी चाहिए जिससे उनका दिल दुखे। उन्हें यह ख्याल करने का मौका ही क्यों दें कि यह सब मेरी कमाई खाने वाले हैं, बात पूछने वाला कोई नहीं। मेरी उम्र तुमसे कहीं ज़्यादा है जियाराम,
पर आज तक मैंने अपने पिताजी की किसी बात का जवाब नहीं दिया। वह आज भी मुझे डांटते हैं, सिर झुकाकर सुन लेता हूँ। जानता हूँ वह जो कुछ कहते हैं मेरे भले ही को कहते हैं। माता पिता से बढ़कर हमारा हितैषी और कौन हो सकता है? उनके ऋण से कौन मुक्त हो सकता है? जियाराम बैठा रोता रहा। अभी उसके सद्भावों का संपूर्णतः लोप न हुआ था। अपनी दुर्जनता उसे साफ नजर आ रही थी। इतनी ग्लानी उसे बहुत दिनों से न आई थी। रोकर डॉक्टर साहब से कहा, मैं बहुत लज्जित हूँ, दूसरों के बहकाने में आ गया। अब आप मेरी जरा भी शिकायत न सुनेंगे। अब पिताजी से मेरे अपराध क्षमा कर दीजिए। मैं सचमुच बड़ा अभागा हूँ, उन्हें मैंने बहुत सताया। उनसे कहिए मेरे अपराध क्षमा कर दें, नहीं मैं मुँह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊँगा, डूब मरूँगा। डॉक्टर साहब अपनी उपदेश कुशलता पर फूले न समाए, जियाराम को गले लगाकर विदा किया। जियाराम घर पहुंचा तो 11 बज गए थे। मुंशी जी भोजन करके अभी बाहर आए थे। उसे देखते ही बोले, जानते हो क्या बजे हैं? 12 का वक्त है। जियाराम ने बड़ी नम्रता से कहा, डॉक्टर सिन्हा मिल गए, उनके साथ उनके घर चला गया। उन्होंने खाने के लिए जिद की, मजबूरन खाना पड़ा, इसी से देर हो गई। मुंशी जी, डॉक्टर सिन्हा से दुखड़े रोने गए होंगे या और कोई काम था? जियाराम की नम्रता का चौथा भाग उड़ गया। बोला, दुखड़े रोने की मेरी आदत नहीं है। मुंशी जी, जरा भी नहीं, तुम्हारे मुंह में तो जबान ही नहीं। मुझसे जो लोग तुम्हारी बातें करते हैं वह गढ़ा करते होंगे। जियाराम, और दिनों की मैं नहीं कहता, लेकिन आज डॉक्टर सिन्हा के यहाँ मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो इस वक्त आपके सामने ना कर सकूं। मुंशी जी, बड़ी खुशी की बात है, बेहद खुशी हुई। आज से गुरु दीक्षा ले ली है क्या? जियाराम की नम्रता का एक चतुर्थांश और गायब हो गया। सिर उठाकर बोला, आदमी बिना गुरु दीक्षा लिए हुए भी अपनी बुराइयों पर लज्जित हो सकता है। अपना सुधार करने के लिए गुरु मंत्र कोई ज़रूरी चीज़ नहीं। मुंशी जी, अब तो लुच्चे ना जमा होंगे। जियाराम, आप किसी को लुच्चा क्यों कहते हैं? जब तक ऐसा कहने के लिए आपके पास कोई प्रमाण नहीं। मुंशी जी, तुम्हारे दोस्त सब लुच्चे लफंगे हैं, एक भी भला आदमी नहीं। मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि उन्हें यहाँ मत जमा किया करो, पर तुमने सुना नहीं। आज मैं आखिर बार कह देता हूँ कि अगर तुमने उन शहीदों को जमा किया तो मुझे पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी। जियाराम की नम्रता का एक चतुर्थांश और गायब हो गया। फड़क कर बोला, अच्छी बात है, पुलिस की सहायता लीजिए, देखें क्या करती है। मेरे दोस्तों में आधे से ज़्यादा पुलिस अफसर के ही बेटे हैं। जब आप ही मेरा सुधार करने पर तुले हुए हैं तो मैं व्यर्थ क्यों कष्ट उठाऊं? यह कहता हुआ जियाराम अपने कमरे में चला गया और एक क्षण के बाद हारमोनिया के मीठे स्वरों की आवाज़ बाहर आने लगी।